फिल्म जगत में पारंपरिक अभिनय की विरासत लेकर आने का श्रेय कपूर खानदान को जाता है। आज उनका एक क्षत्रिय राज जरूर है, पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कपूर खानदान अभिनय की विरासत संभाले हुए है। एक परिवार ऐसा भी है जिन्होंने हर पीढ़ी में हसीन अभिनेत्रियां फिल्म जगत को बहाल की है, चाहे वो 40 का दशक हो या 70 का दशक। इनके परिवार की अभिनेत्रियां अस्थाई रूप से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई हैं। 90 का दशक आते आते इनके परिवार ने फिल्म जगत को काजल के रूप में प्रतिभावान अभिनेत्री दी है। सीते, आज तो तुम बड़ी प्रसन्न दिखती हो। क्यों ना हो, ये उत्सव ही हर एक स्त्री के लिए आनंदमय होता है। हाँ आदि पुत्र, लेकिन आज के उत्सव में सबसे ज्यादा आनंद तो मुझे तापसियों का दर्शन करके हुआ। क्या सोच रही हो देवी? जी में आता है कि एक बार फिर से पवित्र तपोवन को देखूं, तापसियों और ऋषि कन्याओं के साथ आनंद मनाऊं और पुण्य सुरीला भागीरथी में स्नान करूं। ठीक है, इन दिनों में ऐसी पवित्र इच्छा का होना बड़े भाग्य की बात है। जल्द ही मैं तुम्हारे तपोवन जाने का प्रबंध करूंगा। नहीं, मुझे महाराज राम से मिलना है, मुझे उनके दर्शन कराइए। मैं सब कुछ उन्हीं से कहूंगी, मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। ये रोने की आवाज कैसी? हेलो दोस्तों, मैं अनामिका आई हूँ कहानी लेकर शोभना समर्थ जी के आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर। अगर आप भी शोभना समर्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए, और आपके एक लाइक से हमें अन्य वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि शोभना समर्थ ने अपने परिवार में अभिनय की परंपरा शुरू की है, पर ये बिल्कुल गलत है। शोभना समर्थ की माताजी रतनबाई 30 के दौर की सफल गायिका और अभिनेत्री थी। रतनबाई की अनसुनी कहानी सुनने के लिए ऊपर राइट साइड पे आई बटन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले शोभना जी के बचपन पर रुख करते हैं। शोभना समर्थ उर्फ सरोज चिलौत्री का जन्म आज के मुंबई में 17 नवंबर 1916 में हुआ था। उनकी माताजी का नाम रतनबाई था और पिताजी का नाम प्रभाकर शिलौत्री था। आपको जानकर हैरानी होगी, शिलौत्री परिवार उस दौर के अमीर परिवारों में शुमार था। अंग्रेजों के जमाने में शिलौत्री परिवार लंबी लंबी कारों में सफर किया करते थे। इतना ही नहीं, उस जमाने में शोभना समर्थ के पिताजी ने खुद की बैंक भी खोली थी, जिसका नाम था शिलौत्री बैंक। पर दुर्भाग्यवश प्रभाकर शिलौत्री की ईमानदारी अंग्रेजों की आंखों को चुभती थी, इसलिए अंग्रेजों ने बलपूर्वक उन्हें कंगाल कर दिया, उनकी बैंक बंद कर दी। यही वजह थी जिसके कारण प्रभाकर जी को अपनी बीवी बेटी संग मुंबई शहर को छोड़ना पड़ा और 1931 में बैंगलोर में स्थायी हो गए। यहाँ आकर दोनों पति पत्नी स्कूल में पढ़ाने लगे और ये छोटा सा परिवार खुशहाल जिंदगी फिर से जीने लगा। पर समय का खेल बहुत अजीब है साहब। कुछ ही महीनों में प्रभाकर को दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। ये देख रतनबाई अपनी बेटी को लेकर फिर से मुंबई आई और अपने मामा के घर रहने लगी। पर ना बोलो, मैं खुद महाराज से पूछ लूंगी। कल ही तो मुझे लौटाना है ना, और देखो भैया, तपोवन में कोई कितना भी कहे तो भी हमें ज्यादा ठहरना नहीं है ना? कल से आर्य पुत्र की हालत तो तुम देख रहे हो ना, कितना कष्ट उठाते हैं प्रजा के लिए, और क्यों ना उठाएं, प्रजा भी कितनी अच्छी है हमारी। लेकिन तुम तो कुछ बोलते ही नहीं, रास्ता कैसे कटेगा?
रोजी रोटी के लिए रतनबाई ने फिल्मों में काम करना शुरू किया, पर उनके मामा फिल्मों से सख्त नफरत करते थे। आपको और एक बात बता दूं कि उनके मामा के परिवार में एक लड़की थी जो आगे चलकर फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री बनी। अभिनेत्री बनने के लिए उन्होंने अपने घर वालों के विरोध में आकर घर छोड़ दिया था। वो और कोई नहीं बल्कि खुद नलिनी जयवंत है। नलिनी की कहानी सुनने के लिए ऊपर आए बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रतनबाई और शोभना जी उस परिवार के साथ रह रही थी जो फिल्मों से नफरत करता था, इसीलिए दोनों ने जयवंत परिवार से अलग होने का फैसला किया। सौभाग्य से शोभना के जीवन में कुमार सेन समर्थ की एंट्री हुई। कुमार सेन फिल्मों के प्रति बड़े पैशनेट थे। वो फिल्में बनाना चाहते थे और साथ ही शोभना को अपनी बीवी भी बनाना चाहते थे, पर शोभना ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि शादी के बाद भी उन्हें अभिनय करना है। कुमार सेन को इसमें कोई बुराई नहीं लगी और इस तरह शोभना और कुमार सेन की शादी हुई। शादी के बाद शोभना समर्थ पहली बार बड़े पर्दे पर चमकने लगी। प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा जी के पिताजी विनायक साहब की फिल्म ऑफन्स ऑफ द सोसाइटी में शोभना ने पहली बार अभिनय किया था। विनायक साहब की अनसुनी कहानी सुनने के लिए ऊपर आए बटन पर क्लिक कर दीजिए। 1935 में आई ये फिल्म फ्लॉप रही, पर शोभना के अभिनय ने अन्य फिल्मकार के दिल जीत लिए। उनके अभिनय को चारों तरफ से प्रशंसा मिली, बजाय इसके कि ये फिल्म उर्दू और मराठी दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी और शोभना जी को उर्दू में डायलॉग बोलना नहीं आता था, पर बाद में उन्होंने मराठी समेत हिंदी और उर्दू भाषा में महारत हासिल की। कोल्हापुर सिनेटोन, सागर मूवीटोन, जनरल फिल्म्स, हिंदुस्तान सिनेटोन जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ शोभना ने खूब सारे सफल फिल्मों में काम किया। मोतीलाल और सितारा देवी के साथ 1937 की फिल्म कोकिला में उन्होंने अभिनय किया। उसके तुरंत बाद दो दीवाने फिल्म में फिर से मोतीलाल और याकूब के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की। भगवान राम के किरदार के लिए जाने गए प्रसिद्ध अभिनेता प्रेम अदीप के साथ शोभना जी ने सबसे पहले 1938 की फिल्म निराला हिंदुस्तानी और 1939 की फिल्म पति पत्नी में काम किया। 1942 के आते आते शोभना समर्थ ने कौन किसी का, सौभाग्य, अपनी नगरिया, घर जवाई, इस सफल फिल्मों में अभिनय किया। अब तक तो वो फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री बन चुकी थी, पर वो दौर आना बाकी था जहां उन्हें देवी सीता के किरदार में प्रसिद्ध होना था। अगर राजा के लिए कोई धर्म है तो पति का कोई धर्म नहीं, अगर प्रजा का कोई अधिकार है तो पत्नी का कोई अधिकार नहीं, स्त्री की कोई आवाज नहीं। क्या स्त्री का यही कर्तव्य है कि वो सब कुछ सहा करे? हाँ, सच है, राम के वंश के लिए मुझे जीवित रहना चाहिए। मुझे भी महाराज के कर्तव्य पालन में सहकार देना चाहिए। मुझे भी पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन गुरुदेव, ये सब मैं किस तरह कर सकूंगी? अयोध्या की प्रजा ने मुझ पर कलंक जो लगाया है। आज भी दर्शक जब शोभना समर्थ को याद करते हैं तो उनके नजर में वो माता सीता की प्रतिभा सामने आती है। ये सिलसिला 1942 से शुरू होता है, जब इंडस्ट्री के महान फिल्मकार विजय भट्ट ने भारत मिलाप फिल्म का निर्माण शुरू किया तो शोभना समर्थ को ही सीता का किरदार ऑफर हुआ था और भगवान राम के किरदार के लिए प्रेम अदीप को चुना गया। श्री राम सीता के इस जोड़ी ने फिल्म जगत में धमाका मचा दिया और अंतकाल के लिए शोभना समर्थ अमर हो गई। मंगल, ओ मंगल, क्या है माँ? तेरा सर, ये बता ये क्या है? ये तू मेरे कपड़े क्यों बटोरती फिरती है माँ? मैं खुद धो लूंगा, तू क्या क्यों झंझट करती है? रहने दे, पहले ये बता ये किसके लिए लाया है? ये
वो डमरू है ना अपना डमरू, मैं वो डमरू के लिए लाया था ये। अच्छा डमरू के लिए लाया है? हाँ मैं डमरू के। जरा इधर तो आ, उधर उठ। अरे ये कहाँ ले जा रही है माँ? बताती हूँ, ये झांझन ये भी डमरू के लिए ही लाया था ना, और ये बूंदे भी डमरू पहनेगा, ये टीका ये कड़े ये अंगूठी सब डमरू के लिए है। पर तू मेरा कान तो छोड़ माँ। मैं पूछती हूँ बुद्धू, जब तुझ में उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं तो ये सारा जंजाल किसके लिए खरीद खरीद कर लाता है? किस लड़की से माँ? दुर्गा से, और किस से? अपने जीवन काल में शोभना जी ने 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1985 में रिलीज हुई घर द्वार उनकी आखिरी फिल्म थी। अपने बेटियों के संग उन्होंने दो फिल्मों का निर्देशन भी किया। वो दो फिल्मों का नाम है 1960 की छबीली और 1950 की हमारी बेटी। दोनों बेटियां तनुजा और नूतन का करियर बनाने में भी शोभना जी का हाथ है। उन्हें कुल मिलाकर 4 बच्चे थे, नूतन, तनुजा, चतुरा और बेटा जयदीप। एक समय ऐसा भी आया जब बेटियां शोभना जी के विरोध में आई थी। दरअसल व्यवसायिक आलोचना के चलते नूतन ने अपनी मां शोभना समर्थ पर कानूनी कार्रवाई की थी। इसके अलावा अगर अफवाहों की माने तो कहा जाता है कि अभिनेता मोतीलाल के साथ उनका अफेयर भी था। शायद ये अफवाह इसीलिए फैली क्योंकि शोभना जी के फिल्म प्रोडक्शन में मोतीलाल का बड़ा सहयोग हुआ करता था। मोतीलाल साहब की कहानी सुनने के लिए ऊपर आए बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं थी आपकी अनामिका, मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।